हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहें। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी ने। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा, इन्होंने हराया किसको? मार्का वोंदरसोवा को। किसको? मार्का वोंदरसोवा को, जो कि कहाँ से है? चेक रिपब्लिक से है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो याद रखना, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। रोलैंड गैरोस एक स्टेडियम का नाम है पेरिस में, जहाँ पे ये खेला जाता है। अच्छा देखो, ये है आपके इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम। पहला ग्रैंड स्लैम आपका जनवरी में हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन का नाम आपको याद रखना है, ये 100% क्वेश्चन आएगा, लिख लो कहीं पर भी। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पुरुष हॉकी सीरीज अभी जो चल रही थी वो किसने जीत ली है? तो जापान ने जीत ली है। किसको हरा करके? मैक्सिको टीम को हरा करके। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न, ये जो सीरीज है ये चल कहाँ पे रही थी? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। अगला है, जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम अध्यक्ष, अंतरिम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, किसको बनाया? आर के चिब्बर को बनाया। किसको? आर के चिब्बर को। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे आवास मंत्री कौन? हरदीप सिंह पुरी ने। कौन ने? हरदीप सिंह पुरी ने। अगला क्या है, फीफा के अध्यक्ष फिर से कौन बन गए हैं? तो फिर से बन गए हैं, पहले कौन थे? अगर पहले का नाम याद हो तो फिर से बता दोगे, ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन? ज्ञानी इन्फेंटिनो, और 2023 तक के लिए फिर से बन गए हैं। अच्छा, मुझे बता सकते हो फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्यूरिच जर्मनी में। अगला है, 2019-20 वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर की डिजिटल लेनदेन में कौन सा बैंक टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे रहा है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला क्या है, पहला जॉर्ज H.W. बुश पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जिमी कार्टर को दिया गया है। अच्छा देखो, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको कई बार बताया है, एक तो ये आपके जो जॉर्ज H.W. बुश हैं, इनका निधन हो गया था आपके नवंबर लास्ट में, और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 41 नंबर के राष्ट्रपति थे, ये मैंने आपको कई बार बताया, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नोट डाल के लिख लेना। अच्छा, इनका निधन हो गया, तो इनकी स्मृति में, इनके सम्मान में पहला जॉर्ज H.W. पुरस्कार किसको दिया गया? जिमी कार्टर को दिया गया है। अब जिमी कार्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब तक के ये सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, और कौन से नंबर के हैं? तो वो याद रखना, 39 नंबर के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के हैं? 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला है, झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, और क्लियर बोलूंगा तो इंतरिम चीफ जस्टिस यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, कौन बन गए हैं? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? डीएन पटेल बन गए हैं, जो कि पहले झारखंड में थे, तो झारखंड से वो दिल्ली में चल गए, तो झारखंड के चीफ जस्टिस की जगह खाली हो गई, तो उस जगह को जब तक परमानेंट कोई नहीं आ जाते तब तक के लिए काम संभालेंगे प्रशांत कुमार, ऐसे समझो। अगला है, भारत किस देश के साथ गरुड़ अभ्यास करेगा? तो आंसर होगा फ्रांस के साथ। कहाँ पे करेगा? फ्रांस में करेगा, और कब से करेगा? 1 जुलाई से करेगा। अच्छा देखो, गरुड़ और वरुण दोनों याद रखना, गरुड़ और वरुण, तो वरुण 19.1 और 19.2 पिछले महीने ही अपन ने देखा था, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, नौसेना अभ्यास था, नेवल एक्सरसाइज थी। वरुण 19.1 गोवा में हुआ था, और वरुण 19.2 अफ्रीकी देश जिबूती में हुआ था, और अब 1 जुलाई से ये गरुड़ होगा फ्रांस और इंडिया के बीच में, फ्रांस में। ये एक गरुड़ मतलब एयर एक्सरसाइज है। अगला है, ग्लोबल जेंडर इक्वलिटी में टॉप पे कौन रहा है? तो डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान रहा है 95 देशों में से। अगला क्या है, ट्रैफिक इंडेक्स 2018 आया है, उसमें टॉप पे कौन रहा है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना भीड़ भड़क का इलाका, वो रहा है आपके मुंबई का, ठीक है। अगला है, RTGS NEFT से शुल्क हटाने का सुझाव किस समिति ने दिया है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर होगा नंदन नीलेकणी ने। मैंने आपको डिटेल में भी इसको समझाया करंट अफेयर्स में।
अगला बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मन की बात अ सोशल रिवॉल्यूशन ऑन रेडियो, ये जो पुस्तक है इसका विमोचन किसने किया, विमोचन मतलब रिलीज किसने किया, तो आंसर होगा अरुण जेटली ने। आपको पता है जो मन की बात कार्यक्रम आता है ना उसके 50 एपिसोड को मिलाकर के ये बनाई गई है। अगला क्या है, ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी, इसके राइटर आपसे पूछे थे तो आंसर होगा अरविंद सुब्रमण्यम। अच्छा, अरविंद सुब्रमण्यम कौन है, ये आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। अच्छा, ये तो पूर्व है, तो अभी कौन है वर्तमान में आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये भी याद रखना। अगला है, अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है, तो आंसर होगा पी चिदम्बरम ने लिखी है। अच्छा देखो, लिखी तो पी चिदम्बरम जी ने है लेकिन इसको रिलीज किसने किया है, आपके पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक किसने रिलीज की है। अच्छा, रिलीज की है तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो एक्चुअली दिनेश सेहरा, इनके राइटर का नाम दे दिया गया मिस्टेक से। रिलीज इनको किया है, ध्यान से सुनो, रिलीज इनको किया है केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, और इस बुक को लिखा है दिनेश सेहरा ने। वैसे कमेंट बॉक्स में जहाँ आंसर मैं आपको देता हूँ वहाँ मैंने नोट डाल के ये बता भी दिया था। अगला क्या है, परिवार सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की, तो आंसर होगा हरियाणा ने योजना ये शुरू की थी। अगला है, जलामृत जल संरक्षण योजना ये किस राज्य ने शुरू की थी, तो कर्नाटका ने ये शुरू की थी। अगला क्या है, बीसीजी आईबीए की रिपोर्ट आई थी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक ने सुधार एजेंडा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुधार एजेंडा मतलब क्या हो गया, जो भी बैंक की कमियां थी ना उसमें सुधार लाने में फर्स्ट नंबर अव्वल कौन रहा, तो पंजाब नेशनल बैंक रहा इसकी रिपोर्ट के अनुसार। देश में अगला क्या है, देश में पहली सीवर जो गटर वगैरह होते हैं उनकी सफाई करने वाला रोबोट कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो चेन्नई में लॉन्च किया गया, और मैंने काफ़ी इसको बताया था जब ये आया था, तो बैंडीकूट इसका नाम है, क्या नाम है, बैंडीकूट इस रोबोट का नाम है, चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया देश में पहली बार। अगला है, बीसीसीआई में लोकपाल के पद पर कौन नियुक्त है, सबको पता है डीके जैन है, लेकिन याद रखना देश के पहले लोकपाल पूछेंगे तो क्या लगाओगे, पिनाकी चंद्र घोष लगाओगे। अच्छा, पिनाकी चंद्र घोष पीसी घोष, और पीसी मोदी क्या है, आपके सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं, जो पहले सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन थे, आपके सुशील चंद्रा, जो आपके क्या बन गए, चुनाव आयुक्त बन गए। तो ऐसे सीक्वेंस में मैंने आपको याद कराया, ऐसे याद करा करो। अगला क्या है, ट्विटर इंडिया के एमडी कौन बने, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मनीष माहेश्वरी, और यहाँ से भी मैंने आपको लिंक करा के याद कराया ना, याद आ गया, मनीष से हम बोलेंगे क्या, मनीषा कुलश्रेष्ठ जिनको मिला बिहारी पुरस्कार, जो कि राजस्थानियों को ही दिया जाता है, मतलब मनीषा कुलश्रेष्ठ राजस्थानी है, और इनके किस उपन्यास के लिए मिला, तो स्वप्न पास के लिए मिला। बढ़ते आगे, तो अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल गई, तो आंसर होगा रेवाड़ी जिले में, और याद रखना ये आपके देश का 22वां एम्स है। अगला क्या है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुलेगा, तो आंसर होगा ये भी हरियाणा में खुलेगा, और हरियाणा के झज्जर जिले में, याद रखना। अगला क्या है, ब्लास्ट प्रूफ एलपीजी सिलेंडर किस नाम से लॉन्च हुआ था, तो आंसर होगा गो गैस एलाइट, किस नाम से, गो गैस एलाइट के नाम से। अगला क्या है, मकरन कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, कई बार मैंने आपको बताया है, पहला तो आंसर होगा इसका दीपक सिंह ने गोल्ड जीता है। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि मकरन कप किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, और ये कहाँ खेला गया, ईरान के चाबहार में खेला गया है। अगला क्या है, AIBA Elite Foundation के अध्यक्ष कौन बने, तो अजय सिंह बने हैं। अच्छा, अजय सिंह कौन है, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए, तो क्रिस गेल बने हैं, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अगला क्या है, 2019 का APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया शिवराज सिंह चौहान को, जो कौन थे, पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। अगला क्या है, IRCTC ने अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे किस नाम से लॉन्च किया है, तो आंसर होगा IRCTC iPay। अच्छा, IRCTC की फुल फॉर्म जानते हो क्या आप, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, याद रखना। अगला है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे, जेफ बेजोस रहे। अच्छा, इसी की लिस्ट में मैंने आपको बताया, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो मैंने अभी आपसे पूछा है, और इसी की लिस्ट में मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो इसकी लिस्ट में कौन से स्थान पे हैं, 8वें स्थान पे, और फोर्ब्स की लिस्ट में 13वें स्थान पे हैं, ये भी याद रखना, कई बार बताया। अगला है, श्रेयस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो HRD मंत्रालय ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने ये शुरू किया था। अच्छा, श्रेयस की फुल फॉर्म क्या हो गई, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। आगे बढ़ते हैं,
तो अब स्टैटिक के 10 प्रश्न पे अपन बात करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ? तो आंसर होगा फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने खत्म किया, तो मलेशिया आंसर करना। मलेशिया 2018 जून जुलाई में इसने खत्म कर दिया था। और ये मलेशिया वही है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अभी नया सदस्य बना है 124वें नंबर का। तो अभी प्रश्न में आपको फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। अच्छा, फ्रांस से मैंने आपको बताया था फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हो गए हैं, 7 जून से शुरू हो गए हैं, ये फ्रांस में शुरू हो गए हैं। और अगर बात करेंगे फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2018, ये हुए थे जो रशिया में, वो जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके, ये भी आप याद रखना। अगला क्या है, साइक्लोन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ये अभी न्यूज़ में थे तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, मृत्युंजय महापात्रा को। ये IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अध्यक्ष बन गए हैं ये। अगला है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इंजीनियरिंग श्रीधरन को, ये सबको पता होगा। अगला क्या है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ये तो मैं आपको सबको पता होगा अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। हर बार मैंने आपको बताया के शिवान जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अभी रेलवे के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। अगला क्या है, किदांबी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन है, ऑब्वियस सी बात है। अगला है, अच्छा प्रश्न है ये अगला वाला, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे होते हैं? वाओ, 17 सितारे होते हैं, 17 स्टार्स होते हैं। अच्छा, आपको पता चल रहा होगा ये 17 किसको शो करता है अगर आपसे पूछे तो 17 रेलवे जोन को शो करता है। अब आप बोलोगे कि गुरुजी 18 रेलवे जोन हो गए आंध्र प्रदेश में, बनेगा ना? ध्यान से सुनो आप क्या बोल रहे हो, आंध्र प्रदेश में बनने की घोषणा हो चुकी है, घोषणा हुई है, अभी बना नहीं है, बात समझ में आ रही है? इसलिए अभी उसमें 17 सितारे हैं। हाँ, ये आपकी बात सही है, उसमें अब लोगों में 18 सितारे हो जाएंगे इन फ्यूचर। कब होंगे? जब होंगे तब आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये 17वां सितारा कब जोड़ा गया अगर ऐसे पूछा जाएंगे तो 17वां जब रेलवे जोन बना था, यानी कि 17वां रेलवे जोन कौन सा था? कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। ये 2010 या 2011 में ये बना था रेलवे जोन, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, ये आपके देश का 17वां रेलवे जोन था और ये उसी के कारण इसके लोगों में 17वां सितारा जोड़ा गया था। अब 18 मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर में जुड़ जाएगा जब आपका आंध्र प्रदेश में 18वां रेलवे जोन बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्या नाम है उस रेलवे जोन का? साउथ कोस्ट रेलवे, ये भी आप याद रखना। अगला क्या है, स्पेशल ओलंपिक गेम्स 2019 में जो हुए थे, अभी कहाँ पे हुए थे? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में हुए थे। उसका मोटो क्या है? मोटो अभी एग्जाम में पूछा गया SSC CGL में, आप में से एक स्टूडेंट ने बताया तो मैंने क्वेश्चन रखा, मीट द डिटरमाइंड। क्या है आंसर? मीट द डिटरमाइंड। अगला क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्योंकि अभी न्यूज़ में था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है ना ग्रेटा थुनबर्ग को इसने अवार्ड दिया। क्या है आंसर? लंदन में है। अगला है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये एकमात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है हमारे इंडिया में, गुरुग्राम में। अच्छा, गुरुग्राम से मुझे याद आता है ये सबसे प्रदूषित शहर माना है किसने? देखो, मैंने आपको 2 सबसे प्रदूषित शहर बताए थे, कानपुर और गुरुग्राम। गुरुग्राम है अकॉर्डिंग टू ग्रीनविच और कानपुर है अकॉर्डिंग टू WHO। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी नया, सबसे नया मेंबर कौन बना है? तो बोलीविया बना है 74 नंबर का, सऊदी अरब था 73rd नंबर का। अगला क्या है, फीफा का हेडक्वार्टर मैंने शायद पहले ही बताया आपको, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला देखते हैं, तो अब इम्पॉर्टेंट डेज में पहला प्रश्न है, शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया? 1 मार्च को अपन ने मनाया। अगला क्या है, विश्व किडनी दिवस। अच्छा देखो, ये बच्चे कह रहे थे स्टूडेंट जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मैंने बताया था, ये अपन ने उस वक्त ट्रिक से याद करा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोले हम नए नए जुड़े हैं गुरुजी एक बार बता दो। तो आप ही में से एक स्टूडेंट ने इसकी ट्रिक बताई थी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे देखो कैसे याद रखना है, जीरो आ रहा है ना, जीरो, तो हमने क्या लिखा, एक। अगर ये एक जो भी है एक मर जाएगा तो क्या बच जाएगा? जीरो। तो ऐसे ही हमने इसको याद करा था, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, आपको पकड़ना है जीरो। अब जीरो कब आएगा? आपके पास एक है और वो भी मर गया, ठीक है, मतलब एक है और वो भी मर गया तो क्या बच जाएगा? जीरो बच जाएगा। तो हमने ऐसे याद करा था, देखो ट्रिक बन गई ना, एक है यानी कि एक डेट और मर गया, मर से मार्च आ गया ना, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जब भी आएगा जीरो पकड़ना, एक को मार देना, 1 मार्च बन जाएगा। अगला है विश्व किडनी दिवस, 14 मार्च को अपन ने मनाया, ये तो आपको ट्रिक से बता ही चुके हैं। अगला क्या है, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को अपन ने मनाया। अगला क्या है, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को अपन ने मनाया, कब? 24 मार्च को अपन ने मनाया। और बिहार दिवस याद रखना 22 मार्च को, अभी SSC CGL में पूछा गया था।
अगला क्या है, वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया, 3 जून को अपन ने मनाया, कब, 3 जून को। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को अपन ने मनाया, 7 अप्रैल को मनाया गया। अगला क्या है, और याद रखना 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना दिवस है। अगला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 5 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डे, सबको पता होता है लेकिन आपको थीम याद रखनी है, क्या है, बीट एयर पोल्यूशन। अगला क्या है, विश्व पुस्तक दिवस अपन ने कब मनाया, 23 अप्रैल को अपन ने मनाया। अगला क्या है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था ना, याद देना, साथ साथ खाना खाएंगे, ध्यान रखना फूड की सेफ्टी करना, कहीं जू न गिर जाए, 7 जून को। और याद रखना ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल पहली बार अपन ने मनाया है। अगला है वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये भी मैंने आपको ट्रिक से बताया था, 31 मई को अपन ने मनाया। अच्छा, अब मैं आपको होमवर्क के 40-50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से उनको सॉल्व करना, वीडियो को पॉज करके, नीचे आपको आंसर मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और फिर से मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, उसके लिए आपको केवल इसको लाइक और शेयर करना होगा। प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें, अगर आप इसे शेयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया काम कर पाऊँगा। और मेरे ख्याल से लाइक और शेयर करने में आपका पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, तो लाइक और शेयर जरूर करा करें। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना, अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।